सुबह हो चुकी, तो अब मैं आरती करने जा रही थी, तो आरती कर चुकी हूँ, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो आरती तो हो चुकी है, आपसे बाद में ब्रेकफास्ट से मिलती है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हो अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। आज मंडे मॉर्निंग है, शिव जी भगवान जी का दिन है, तो स्टार्टिंग करने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट से। तो आपको भी मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में बनी आलू टमाटर चाय और सबने मिलाई, और आप भी जो कीजिए खाने की तरफ से मिलती है। भाई सारे काम हो चुके हैं, सफाई हुई, और आज मम्मी ने मतलब कपड़े मॉर्निंग में ही धो लिए थे। तो आपको तो बताइए, आजकल धूप नहीं निकल रही तो सुखाने कितनी मुश्किल हो गए हैं, लेकिन अभी भी डाले हुए हैं कपड़े। जब सूखेंगे तो फिर तय करेंगे, लेकिन वैसे तो सूखने तो है नहीं, फिर भी एक दो दिन में तो सूख ही जाते हैं, लेकिन जब ध्यान रखते हैं कपड़ों का फिर नहीं आते हैं, वैसे सभी रखते हैं। तो अब लंच टाइम हो चुका है, तो बस लंच ही करने जा रही है, जो आपको दिखाती हूँ। लंच में माँ की दाल और राजमा प्लस राइस, मैं ऐसे करके खाती हूँ, मैं कोली में नहीं खाती, कभी कभी मैं काम लेती हूँ कोली में। आप भी ज्वाइन कीजिए, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। मैं मोगे तो चाय हो रहा है, तो थोड़े से स्नैक्स खा रही हूँ, आप भी ज्वाइन कीजिए, खाने के बाद आपसे मिलते हैं। आज आपसे मेमोरी, अपनी मेमोरी ना वो आपको बताऊँगी, मेरी कितनी सारी मेमोरीज है मतलब चाइल्डहुड की, और कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाऊँगी, तो अभी दिखाऊँगी, तो आप बनी रही मेरे ब्लॉग में। अभी आपको बताती हूँ, आपको बता दें कि मैं अपनी मेमोरी शेयर करूँगी। आज मेरी मेमोरी आई है गाइस, हेलो गाइस। तो गाइस फर्स्ट मेमोरी है ये वाली, गाइस हमने ना पार्ट रखवाया था, ये देखिए लेवर, ये मैं हूँ, ये देखिए छोटी सी क्यूट सी, इसमें मैं छोटी थी बट इस फोटो में नहीं हूँ गाइस, यहाँ पे थी वो लेबर गाइस और मेरी बहन है यहाँ पे। ये पार्ट रखवाया था हमारे सितारों में जो का होता है ना पार्ट, गुरु ग्रंथ साहब जी का, उनका पार्ट रखवाया था गाइस। एंड दूसरी फोटो जब तक दिखाते हैं, तो हाँ ये दिखाते हैं, वेट कीजिए, ये देखो ये इसकी, ये देखिए ये तो गाइस कौन है, कौन है, गेस कीजिए, ये मैं हूँ। की फोटो देखो, ये एक दिखाना, दिखाओ गाइस को, मैं बताती हूँ गाइस को। ये गाइस मेरी वो बर्थडे की फोटो है, जो मुझे बहुत शौक होता है, आपने बड़ी कर, मुझे वैसे भी बहुत अभी तक शौक है, तो मैं खिंचवा के आई थी। ये भी देखो गाइस, ये फिर फोटो भी देखो। हाँ गाइस, ये पीछे सीनरी के पीछे खिंचाई थी मैंने, ये पीछे सीनरी है, तो मैं और ये मेरी गाइस स्कूल एडमिशन के लिए फोटो खिंचाई थी। और ये ना गाइस मेरी ना मैं ड्रेस लेके आई थी, नई बर्थडे में मैं हमेशा नई ड्रेस के साथ ही फोटो खिंचाती थी, न्यू सैंडल न्यू सब कुछ। देखिए दूसरी दिखाती हूँ, वेट कीजिए अभी और खुल रहा है मेरा यादों का पटारा, तो लेकिन मेरी यहाँ फोटो नहीं आई, इन सब में से मेरी फेवरेट पिक्चर है ये। हाँ ये हमारी बहुत ही चाइल्डहुड की पिक्चर है, छोटी पिक्चर है, ये फोटोग्राफ तब की है जब हम किसी अपने नेबर की बर्थडे पार्टी में गए थे, तो ये मेरी बहन है छोटी सी लंगोटी वाली, और ये मैं हूँ। गाइस मैंने ना देखिए गाइस टॉयलेट कर दिया था इसकी वजह से, और देखिए मैं कैसे क्लोजअप में मतलब अपनी चीज दिखाते हुए फोटो खिंचा रही हूँ। गाइस ये देखिए, ये हमारी फैमिली पिक है, ये भी किसी ऐसी फैमिली की वजह से मैं खिंचा ली थी, गैदरिंग कर ली। हाँ तो देखिए ये मेरी बहन है ना, मुझे देख रही है, फोटो में तो ध्यान ही नहीं है इसका कि फोटो खींच रही है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस थी मैं हूँ, और पापा की गोदी में बैठी है, और ये मैं हूँ, देखिए टॉयज देखिए, एक उधर मैं हूँ, मैं बारी चल रही है। तो गाइस आप जी शेयर कर रही हूँ, और भी दिखाते हैं, और ये तो गाइस में शादी में गए थे हम, शादी में गए थे, तो ये गेस कीजिए कौन है, इसमें मेरी बहन नहीं है अभी, वो तो मैं ही हुई ना, ये तो मतलब मैं भी आ गई। ये देखिए एक मिनट रुकिए गाइस, को जरा पूरा मतलब करा दूँ, ये लाल बाबू मैं हूँ, देखिए कितनी छोटी थी मैं, सब्र कीजिए वेट कीजिए, ये कोने में डैडी खड़े हैं, ये मम्मी है, मम्मी की गोदी में मैं हूँ, लाल बाबू एक मिनट कैमरा इधर कीजिए, तो मैं कैसी लग रही हूँ बताना कमेंट बॉक्स में, मेरी फोटो जा रही है मॉर्निंग गाइस के लिए, गाइस
गाइस इन्हें देखिए, देखो हाँ गाइस मैं आपको बताना भूल गई, इसके बाद में बहुत बड़ी बात है। ये देखिए गाइस, मैंने आपको दिखाया था कि मैं अपने बर्थडे पे कैसे लिख के जाती हूँ, और ये देखिए इसका भी बर्थडे था, और ये देखिए इसको देखिए पीछे कुछ भी है, और यहाँ भी नहीं खिंचा रही थी। मैंने आपको बताया था ना ये डैडी के, जब डैडी ने कहा कि फोटो खिंचानी, तब डैडी से पहले कहती मुझे चीज ला के दो, यानी इतनी ऑटोपी, फिर जाके फोटो खिंचाई थी इसने। मैंने अब ये भी इसकी फेवरेट कपड़े हैं, इसने यही पहने हुए थे हमें। कल के ब्लॉग में गाइस बताया था ना कि हम दो कुत्ते करते थे, ये देखो गाइस दो कुत्ते करी हुई हमने। गाइस हमारी होती थी कि हम हमेशा दो कुत्ते करेंगे, हमारी नानी का घर था, नानी बनने के आगे हम खड़े हैं, लेकिन हमने एक गलती हो गई थी हमसे कि हम इधर को मुँह नहीं किस करके। ये देखो गाइस यहाँ पे ना पापा वॉमिटिंग कर रहे थे, हमारी हंसी रुक नहीं। हाँ मैं बता रही थी कि हमेशा जब मेरी डैडी पहाड़ी पे जाती है, मतलब पहाड़ों पे, तो उनको वॉमिट आ जाती है, तो उन्हीं कैसे हंसी आ गई, ऐसे आनी तो नहीं चाहिए थी। ओ ये मेरी बहन मुझे हंसा रही थी, तो मेरी हंसी रुक ही नहीं रही थी। और ये गाइस हमारी नवरात्रों की जो होती है ना पूजा। हाँ ये कन्या पूजन थी ना, तो नानी के घर पर, तो नानी ने फोटोग्राफर मंगाया हुआ था, तो वहाँ पे फोटो खींची थी। इसमें मैं कौन हूँ गेस कीजिए, और मेरी बहन कौन है। और ये देखो गाइस मेरी बहन, एक मिनट सबर करके वेट करके उनको बस देखने तो दीजिए, ये मैं हूँ, एक मिनट करना जरा। ये देखो गाइस, अरे मैं निकाल रही हूँ, ये मैं हूँ, और उसी के नीचे मेरी बहन बैठी है, मुझे से कन्या पूजन हो रहा है तो उसी के लिए ये, और दिखाइए गाइस को। और ये देखो और गाइस ये फैमिली पिक, इसमें ये ना फैमिली पिक है, लेकिन इसमें मेरी डैडी और मेरी बहन ना थोड़ी आनी भाई, मेरी बहन लड़की बंद करती, अभी बात कर रही थी ना, बात करते करते गाइस मम्मा ना, मम्मा आवाजें कर रही थी, तो मम्मा को ना नींद आ रही थी। और ये पापा भी ना, आपको तो पता ही है ये तो चुप ही नहीं होते हैं, जब शुरू हो जाते हैं तो चटर 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 हमारी बातें बीच में रह गई, हमारी तो नहीं, बातें रह गई हैं। और इनको देखिए, ये गाइस मेरे पापा ने फोटो, नहीं ये पापा ने नहीं, ये तो नानी ने खींची थी फोटो, तो उसमें मेरे पापा और मेरी बहन नहीं आ पाए, मैं और मम्मी आ पाए। मेरी बहन थोड़ी बहुत आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, जैसे भी आ रही है, आ ही रही है मोदी। हाँ थोड़ी शर्म करो, ऐसे नहीं होते गाइस। ये भी हमारी फैमिली पिक है, तो थोड़ी हम और बड़े हो गए थे, पहले वो बहुत छोटी वाली थी, ये बड़ी वाली है। तो ये मेरे प्रफुल डैडी, सॉरी गाइस ये वैसी हमारी छोटी थी टाइम। हाँ ये मेरी बहन है, निक्की निक्की थी, क्यूट लग रही हूँ, क्यूट भाई। और ये मैं हूँ, तो हमारी फैमिली पिक एंड गाइस लास्ट फोटो, ये स्कूल की फोटो है गाइस। इतने बताओ कौन है, मैं कहा हूँ, मैं नहीं हूँ गाइस इसमें। हाँ मैं आपको सबसे पहले कॉल देती हूँ, गेस्ट वन गेस्ट वन, ये है गाइस, ये रही किसी और को दिखा दिया इसने। ये मेरी मैडम है, ये मेरी क्लास टीचर थी नीना, ये नीना मैडम थी जो बहुत अच्छी, इनका नेचर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा भी पढ़ाती थी मैथ। तो ये मेरी सिक्स स्टैंडर्ड की फोटोग्राफ है। तो इसी के साथ गाइस हमारे यादों का पिटारा तो खत्म हो गया, बट गाइस जब भी जब खोलते हैं ना तो मेमोरी और न्यूज ताजा ताजा होके आती है। आपको पता है कि उस समय तो अगर फोन होते ना तो फोन में जाया जाता अच्छी बात, बट हमारे तो गाइस फोन से डाटा ही कट जाता है, तो क्या नहीं, मैंने तो अभी तक संभाल के रखी हुई है, इसकी इसकी कट जाती है, कभी रिसेट हो जाता है कुछ। हाँ वैसे मेरी भी कट जाती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कटती, मैं ध्यान रखती हूँ, तो मैं ध्यान रखती हूँ, ये डैडी है ना बस। तो इसी के साथ साथ अभी मेरा ब्लॉग और है, तो बने रही मेरे ब्लॉग में। जब ब्लॉग का एंड करने का वक्त आ गया, आप सबसे विदा लेने का वक्त आ गया, तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा इंस्टा ब्लॉग है, उन्हें देखिए, आजकल हम देख नहीं रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, और ये वाला ब्लॉग मैं जल्दी डाल दूँगी, उसे भी देख लेना। और आने वाले ब्लॉग कुछ बहुत खास होने वाले हैं, तो उन्हें भी देखिएगा। तो और मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ और रील्स भी इंस्टा पे मेरा नाम है इंद्रदीप कौर, वहाँ जाइए मुझे फॉलो कीजिए इंद्रदीप कौर के नाम से।
और इसी के साथ मेरे ब्लॉग का एंड होते हैं। बाय।